हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय कोर्स ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर या फिर सत्ता के 48 नियम। आज हम देखने जा रहे हैं द रूल नंबर 36। रूल नंबर 36 के बारे में एक्चुअली ये आपको पहले से पता है, आपने बचपन में कहानी सुनी होगी लोमड़ी और अंगूर। कहते हैं ना कि लोमड़ी को अंगूर खट्टे। वो जो फॉक्स एंड ग्रेप्स की जो स्टोरी है वही ये रूल आपको कहता है कि जो चीज़ आपको नहीं मिलने वाली है उसे ऐसा दिखाओ कि आपको चाहिए ही नहीं। यू डोंट वॉन्ट। अगर मुझे पता है कि मुझे विश्व सुंदरी या कोई मिस इंडिया मिस वर्ल्ड से अगर मुझे शादी करनी है और मुझे पता है कि मुझे होने ही वाली नहीं है, ये लड़की मुझसे पटने वाली है नहीं, तो मैं कहता हूँ हु केयर्स, आई डोंट लाइक दोज गर्ल्स, दे आर सो प्राउडी एंड सो एरोगेंट एंड सो लाइक दिस। कॉलेज में ऐसे उदाहरण आपको हर जगह मिलेंगे। जो लड़की अप्राप्य है, विच इज अनटचेबल, उसके लिए लोग भला बुरा कहते हैं और उन्हें वो चाहिए ही नहीं ऐसा दिखाते हैं। तो चलिए ये रूल देखते हैं। रूल नंबर 36, डिस्टेन थिंग्स यू कैनॉट हैव, इग्नोरिंग देम इज द बेस्ट रिवेंज। आपको पता है कि ये रूल पहले भी हम एक बार देख चुके हैं, द पावर ऑफ द नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस पावर मतलब पर्टिकुलर चीज के तरफ ध्यान नहीं देना। अब कमेंट में किसी ना किसी की कमेंट तो जरूर आएगी कि सर ये रूल हम लोग ने पहले देखा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। इसमें हम स्पेसिफिकली वही देख रहे हैं कि द पावर ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोर करने की ताकत क्या होती है, पावर क्या होती है, वो इस रूल में है। वो स्टोरी क्या थी फॉक्स और ग्रेप्स की, कि एक फॉक्स एक लोमड़ी जाती है अंगूर के बागान में, बगीचे में, और अंगूर ऊपर रहते हैं और लोमड़ी इतनी सी छोटी, वो बहुत ट्राई करता है फॉक्स कि जंप करके उसको लेने का, लेकिन उसकी हाइट ही नहीं पहुंचती वहां तक, उसको अंगूर नहीं मिलते। तो वो क्या कहता है, जाने दो, वैसे भी वो अंगूर खट्टे ही है, मुझे चाहिए ही नहीं थे, अगर जाते जाते मिलते तो देख लेता, लेकिन आई डोंट वॉन्ट दैट, वो अंगूर खट्टे ही थे। उसने उस अंगूर को भला बुरा कह दिया क्योंकि वो उसे मिल ही नहीं रहा था। लेकिन असल जिंदगी में, कॉरपोरेट वर्ल्ड में या प्रोफेशनल फील्ड में, ये एक पावर होती है, ये एक ट्रिक होती है इग्नोरेंस की। आपको मैं एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, ओके? आप सपोज कॉलेज स्टूडेंट हो या कहीं भी हो, कॉरपोरेट में हो, आपको पता है कि सपोज आपके ऑफिस में कोई नई लड़की है, बहुत ही सुंदर लड़की वगैरह है, या फिर लड़कियों के लिए कोई हैंडसम कोई लड़का है कोई, आप उनके साथ जितना रिलेशन आगे आगे जाके उनके साथ सेटअप करने की ट्राई करोगे, कोशिश करोगे, उतना ही वो डिफ़िकल्ट होता जाएगा। लेकिन आप निगलेक्ट करो, द पावर ऑफ निगलेक्ट, आप निगलेक्ट करो, देखो ही मत, निगलेक्ट कर दो उनको। जब आप किसी को निगलेक्ट करते हो तो वो चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। ये जो चीज़ है, इसका इस्तेमाल मोदी जी ने अपने पहले इलेक्शन में 2014 में किया था, क्योंकि इसके साथ और एक चीज़ जुड़ी हुई है और वो है आकर्षण का सिद्धांत। उनके अपोनेंट ने, कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने वगैरह इतनी बार मोदी को भला बुरा कहते हुए, मोदी 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 ये, मोदी वो ऐसा किया कि आकर्षण का सिद्धांत ये कहता है कि आकर्षण का सिद्धांत ये नहीं जानता कि आपको वो चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप उसके बारे में कंटिन्यूस बोल रहे हो तो वो होके रहेगा, तो वो उसको इम्पोर्टेंस मिलकर ही रहेगा। तो उन्होंने ये गलती कर दी कि उन्होंने मोदी जी का नाम कंटिन्यूस लिया। उसके अगेंस्ट अभी रिसेंट एग्जाम्पल में शाहीन बाग में सीए के अगेंस्ट जो धरने पर बैठे थे, वो जो महिलाएं थी, मुस्लिम महिलाएं थी, और जो प्रोटेस्ट वहाँ पे हो रहा था, वहाँ क्या किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, मोदी जी के द्वारा क्या किया गया, निगलेक्ट, पूरा निगलेक्ट किया गया। तो क्या हुआ उसके बाद,
उसका इम्पोर्टेंस कम होता गया, कोई उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है, कोई पूछ ही नहीं रहा है उनको, तो उनका जो इम्पोर्टेंस था वो कम होता गया। और जब आज शाहीन बाग में पूरा सबको वहाँ से भगा के सब तोड़ दिया गया, तब किसी को कुछ नहीं लगा, एवरीबडी वॉज हैप्पी, और उनका कंट्रोल पूरी तरह से वहाँ से चला गया। तो एक चीज़ याद रखिए, ये इस रूल को एक सेपरेट रूल इसलिए दिया गया है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, ओके? एक पर्टिकुलर चीज़ आप जो निगलेक्ट करते हो वो आपकी ताकत बन जाती है, वो आपकी तरफ खींची हुई चली आती है, ओके? लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है हमें कि निगलेक्ट करते समय अगर आप किसी कलीग को या किसी को निगलेक्ट कर रहे हो तो बार बार उसका जिक्र नहीं करना चाहिए, बार बार उसको उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए कि मैं इसको निगलेक्ट कर रहा हूँ, निगलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि तब आप आकर्षण के सिद्धांत को ट्रिगर कर रहे हो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझने में, लेकिन हम लोग देख लेंगे उसको। द डिस्टेंट थिंग्स यू कैनॉट हैव, इग्नोरिंग देम इज द बेस्ट रिवेंज। कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि जिस चीज़ को हम निगलेक्ट करते हैं, छोड़ देते हैं, वो अचानक हम लोग के फेवर में हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको किसी पिक्चर का नाम याद करना है, कोई गाना याद करना है, तो आप बहुत सोचते हो सोचते हो सोचते हो, लेकिन नहीं याद आता, तो आप उसको छोड़ देते हो, फिर आप दूसरे काम में बिजी हो जाते हो, और अचानक जब आप उसको छोड़ देते हो तब अचानक वो आपके दिमाग में आपकी तरफ आ जाता है। सो दिस इज़ अ बेसिक इंस्टिंक्ट, ये इंस्टिंक्टिव पावर है ये, और ये पावर, ये जो पावर ऑफ निगलेक्ट है, ये एक बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि इसमें आपके पेशेंस लगते हैं, आपके ये बाकी जो रूल्स आपने सीखे हैं, जो ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स जो आपने सीखे हैं, वो भी वहाँ पे अप्लाई होते हैं। क्योंकि देखिए, आपको एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, वो नहीं मिल रही है, इसलिए आप उसको निगलेक्ट कर रहे हैं, ओके? तो उसमें मन से तो आपको चाहिए, मतलब आपको एक मास्क पहनना होगा, एक एक्टिंग करनी होगी कि आपको वो नहीं चाहिए। तो इसी तरह से पहले वाले जो सारे रूल्स है वो भी इसमें अप्लाई होते हैं। ये जो 48 रूल्स है ना, वो एक दूसरे में एंटैंगल्ड है, एक दूसरे में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अटके हुए हैं। आप उसको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि मैं ये कर रहा हूँ तो ये नहीं करूँगा, ये कर रहा हूँ तो ये नहीं करूँगा, ये नहीं कर सकते। आपको उन सब का एक गोल्डन सॉल्यूशन निकालना होगा, उसमें से एंटैंगलिंग करके एक स्वर्ण मध्य जिसे कहते हैं उसे निकालना होगा, एक सारांश निकालना होगा और उसके ऊपर काम करना होगा। और उसके लिए साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी होती है। द मोर अटेंशन यू पे एन एनिमी द स्ट्रॉन्गर यू मेक हिम, द लेस इंटरेस्ट यू शो द मोर सुपीरियर यू सीम। इसके बारे में मैं एक आपको एक किस्सा सुनाता हूँ हमारा, कि मैं और मेरी सिस्टर शॉपिंग के लिए गए थे, उसको ड्रेस लेना था, और छोटा सा शॉप था, और वहाँ पे ऑलरेडी दो लड़कियाँ थी, ओके? और एक ड्रेस था जो मेरी सिस्टर को बहुत अच्छा लगा था, उसको चाहिए ही था वो, लेकिन वो दो में से एक लड़की ने उसे हाथ में लेके रखा था, और मेरी सिस्टर को वही चाहिए था। तो मेरी सिस्टर, हम लोग में बातचीत हुई कि अरे यार, ये तो इसने ले लिया है, अब क्या? तो मैं बोला कि एक काम कर, यू जस्ट सपोर्ट मी, ओके? तो मैंने उसको कहा, ये देखना, उसने मुझे कहा वो ड्रेस दिखा के, अरे ये अच्छा है ना? मैं बोला, नहीं नहीं छी, क्या कलर है यार, छी फालतू है ये, आई डोंट वांट दैट। तो उस लड़की के हाथ में था, उस लड़की ने मेरी तरफ देखा अचानक, तो मैंने भी निगलेक्ट कर दिया उसको, ये हमें चाहिए ही नहीं। और उतने में क्या हुआ, वो दूसरी लड़की जो ड्रेसेस देख रही थी उसमें से, उन्होंने लिया नहीं था, वहाँ पे सिलेक्ट कर रही थी, तो उसमें से एक मैंने पकड़ा और मेरे सिस्टर को बोला, अरे ये अच्छा है, ये देखते हैं। तभी वो लड़की ने बोला, एक्सक्यूज़ मी, आई वांट दिस। मैं बोला, ओह सॉरी सॉरी। तो ऐसा करके मैंने उनका पूरा अटेंशन दूसरे ड्रेस की तरफ डाइवर्ट कर दिया। तो ये वाली लड़की ने वो ड्रेस को छोड़ दिया, जैसे उसने ये ड्रेस छोड़ा, मेरी सिस्टर ने उसको पकड़ लिया। ये होता है द पावर ऑफ निगलेक्ट। जब आप किसी चीज को निगलेक्ट कर देते हो तब उसके बदले में आकर्षण और बढ़ता है दूसरे लोगों का,
ओके okay? आप अगर मैंने अगर वो पहले ड्रेस के ऊपर हम लोग ने झगड़ा किया होता या फिर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया होता तो वो लड़की को भी लगता कि इसमें कुछ तो बात है और उसने वो छोड़ा ही नहीं होता बिल्कुल। तो व्हाट दिस रूल सेज, द मोर अटेंशन यू पे एन एनिमी द स्ट्रॉन्गर यू मेक हिम। एनिमी को, अपने दुश्मन को अगर आपने बहुत ज़्यादा अटेंशन दिया, इसका मतलब ये हुआ कि वो उस बंदे में कुछ तो खास बात है। अब देखिए, जिस फिल्म में या विलन एकदम वीक होता है, फालतू होता है, वो फिल्म अच्छी नहीं लगती। हीरो को अगर बड़ा दिखाना है तो विलन पहले बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बड़े विलन को मारने वाला ही हीरो होता है। छोटे से खरगोश को मारने वाला बहुत बड़ा हीरो कैसे होगा? सिमिलरली, हम लोग उस विलन को ज़्यादा अटेंशन दे के उसको बड़ा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो गलती इंडिया ने की पाकिस्तान के बारे में, एक चिल्लर कंट्री को जिसकी कुछ औकात नहीं है, उनको इन लोगों ने बढ़ावा दिया, कांग्रेस और इन लोगों ने। ओ पाकिस्तान पाकिस्तान वहाँ से आते हैं, हमेशा हमें पोलाइटली बोलना चाहिए, उनको संभाल लेना चाहिए। तो क्या हो गया? वो पूरा सर के ऊपर बैठ गया। उसके विरुद्ध जब ये नई गवर्नमेंट जब ये आई, उन्होंने पाकिस्तान को फालतू समझना शुरू कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, उनकी कुछ औकात ही नहीं है ऐसा दिखाना शुरू किया, तो उस कंट्री की तो पूरे वर्ल्ड में बैंड बज गई पूरी। अभी तो भिखारियों जैसी औकात हो गई है उनकी, कुछ नहीं है। दिस इज जस्ट द पावर ऑफ निगलेक्ट। उनको निगलेक्ट कर दिया गया, उनका इंपॉर्टेंस ही खत्म कर दिया गया। तो ये होती है पावर निगलेक्ट करने की। अभी मेरे कुछ लोग हैं, कुछ व्यूअर्स जो मेरे हैं वो मुस्लिम हैं, शायद मैं पाकिस्तान के बारे में जो बोल रहा हूँ उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जब तक उनको हम इम्पोर्टेंस दे रहे थे, वो सर के ऊपर चढ़ के बैठे थे। जिस दिन हम लोग ने निगलेक्ट करना शुरू कर दिया, उस दिन से उनकी औकात पूरी दुनिया से ख़त्म हो गई। सो दिस इज़ द पावर ऑफ निगलेक्ट। तो व्हाट इज़ द सेकेंड पॉइंट? रिमेंबर, यू चूज टू लेट थिंग्स बॉदर यू। ये हम डिसाइड करते हैं कि ये चीज मुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, या फिर ये चीज मुझे नहीं मिल रही है इसलिए मुझे परेशानी हो रही है, मेरा, कहते हैं ना, मेरा दिल जल रहा है यार, मुझे वो नहीं मिल रहा है। ये चीज की तकलीफ हम खुद को करके लेते हैं। कोई चीज अपने आप जहां होती है वहीं होती है। उसकी एक वैल्यू, एक औकात तभी होती है जब आप उसको महत्व देते हैं। तब आप अगर उसको महत्व नहीं दोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं आपको एक दूसरे बताता हूँ, मुझे आर्ट्स और ड्राइंग्स या पेंटिंग में ज़्यादा कुछ समझता नहीं है, वैसे 95% लोगों को कुछ नहीं समझता। जहांगीरहाट गैलरी वगैरह हम लोग जाते हैं सिर्फ अपना स्टेटस दिखाने के लिए वगैरह वगैरह जाते हैं, मतलब हम कितने शाणे हैं वो दिखाने के लिए जाते हैं, एक्चुअली हमें कुछ समझता नहीं है। मैं एक ऐसे ही एक एग्जीबिशन देखने के लिए गया था, वहाँ पर एक कैनवास के ऊपर, मुझे आर्टिस्ट का नाम भी याद है, गायतोंडे करके एक बहुत बड़े आर्टिस्ट माने जाते हैं इंडिया के, अब शायद वो नहीं है, बहुत पहले उन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी, उसमें ब्लैक और रेड दो ही कलर यूज़ किए थे, और पूरा रेड था कैनवास एक रेड कलर का, और उसके ऊपर ब्लैक ऐसे एक ऐसी एक लाइन थी और दो तीन वर्टिकल लाइन थी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया यार, वो ड्राइंग में लोग देख रहे थे, आ सॉलिड है, ज़बरदस्त है, मुझे कुछ नहीं समझा उसमें, कुछ भी नहीं समझा उसमें। और अगर एक जनरल किसी को बोलेंगे ना, तो उसमें क्या था ना, तो कुछ समझ में आ रहा था, एक रेड कलर के ऊपर एक ब्लैक लाइन खींची हुई थी बस, और कुछ नहीं था। बाद में मैंने नेक्स्ट डे या उसके बाद में मिड डे में मैंने वो देखा, सेम पेंटिंग मैंने देखी, और उसमें दिया था मिस्टर आर्टिस्ट गायतोंडे हैज़ गॉट द वर्थ 97 लैक्स। वो पेंटिंग 97 लैक्स में बेची गई। मैं तो शॉक हो गया यार, क्या था क्या उसमें? कुछ नहीं था, लेकिन उसकी प्राइस क्यों बढ़ गई उसकी? क्योंकि लोगों ने उसको इम्पोर्टेंस दिया। जब तक लोग उसको इम्पोर्टेंट नहीं देते, तब तक उसकी कीमत कुछ नहीं होती। तो ऐसी जो चीज़ें होती है उसको आप इम्पोर्टेंस मत दो। जो चीज़ आपको मिलने ही वाली नहीं है, इम्पॉसिबल है मिलना, तो उसके पीछे मत लगो।
उसको फॉर टाइम बींग छोड़ दो उसको। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अपने आप करेक्शन हो जाती है, अपने आप मिल जाती है आपको। जब आप किसी चीज़ का पीछा करना छोड़ देते हो तब वो चीज़ अपने आप आपके पास चली आती है। यही इसका मतलब है कि यू चूज टू लेट द थिंग्स बॉदर यू। हम ये डिसाइड करते हैं, हम इसको इजाज़त देते हैं, हम उसको अलाउ करते हैं कि इस चीज़ के ना मिलने से हमें परेशानी होनी चाहिए, या हम डिसाइड करते हैं या होती है। यू कैन जस्ट एज इजिली चूज टू कंसिडर द मैटर ट्रिवियल एंड अनवर्दी ऑफ योर इंटरेस्ट। इसके बदले आप ये सोच सकते हो, ये मेरे काम का नहीं है, ये मेरी ज़रूरत का नहीं है, यह मेरी औकात का नहीं है, दिस इज़ नथिंग फॉर मी, या मुझे नहीं चाहिए ये भी आप सोच सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बार ना मिलने वाली चीज़ों को लेकर लोगों सालों तक लोगों के दिमाग में बैठ जाती है। लोगों को खुद को टॉर्चर करने में अच्छा लगता है, अरे ये मिलना चाहिए था यार, मिलना चाहिए था, मिलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिलता, तो अपने आप को खुद को दुख देते हुए बैठ बैठ जाते हैं। लेकिन उसके बदले वो ये भी तो सिलेक्ट कर सकते हैं कि उसको छोड़ दो, मुझे चाहिए ही नहीं। लेकिन ये लोग नहीं करते। लेकिन ये आपको मास्टरी करनी होगी। जो चीज़ इम्पॉसिबल टू अचीव है, जो चीज़ आपको नहीं, एक तो इम्पॉसिबल है, मिलने वाली ही नहीं है, आप कितना कुछ भी करो, या दूसरी चीज़ है कि टेम्पररी आपको नहीं मिल रही है। मतलब अगर वो उस लोमड़ी ने, फॉक्स ने अगर सीढ़ी लगाई होती, टेबल लगाया होता, या डंडा लेके घिराया होता, तो अंगूर उसको मिल जाते थे, मतलब थोड़े कष्ट करके मिल जाते थे। अगर ऐसी कोई चीज़ है कि बहुत सारे एफर्ट्स करके मिलने वाली है, तो टाइम बिंग उसको छोड़ दो। क्योंकि इफ इट इज़ इम्पॉसिबल टू इग्नोर, देन सीक्रेटली गेट रिड ऑफ इट। समटाइम्स ट्रीट्स जस्ट गो अवे बाय देमसेल्फ। जैसे कभी कभी किसी संकट को या किसी परिस्थिति को निग्लेक्ट करने के बाद वो अपने आप सुधर जाती है। जैसे कभी कभी कोई चीज़ आपको बहुत ट्राई करने के बाद भी नहीं मिल रही है, और आपको लगता है कि मैं और ट्राई करूँगा तो मिलेगी, ऐसी परिस्थिति में उस चीज़ को निग्लेक्ट कर दो, छोड़ दो उसको, उसकी अवस्था पर छोड़ दो। चाहे वो आपको चाहिए ऐसी चीज़ है, मतलब कोई गर्लफ्रेंड है, कोई चीज़ है, कोई दूसरी कोई वस्तु है, या फिर कोई संकट है। इस ट्रिक को संकट के समय में भी उपयोग में लाते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट लाइफ में ऐसा बहुत बार होता है कि ये नोट्स कंप्लीट करने हैं, जर्नल कंप्लीट करने हैं, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, ये संकट की घड़ी है, तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं। और अपने आप कभी टीचर ही नहीं आती है, तो कभी उसका डेट चेंज हो जाता है, तो कभी वो पोस्टपोन हो जाता है, ऐसा हो के वो संकट अपने आप चला जाता है। नरसिम्हा राव, अब हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, वो इस ट्रिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। वो क्या करते थे, वो किसी भी चीज़ को टाइम लैप्स में डाल देते थे, और उनमें से 90% घटनाएं, चीज़ें ऐसी होती थी जो अपने आप करेक्शन में आती थी। फॉर एग्जाम्पल अभी का एग्जाम्पल लेंगे तो शाइनबाग, उन्होंने, वो एक संकट था गवर्नमेंट के लिए, एक बहुत बड़ा थ्रेट था वो, गवर्नमेंट ने क्या किया, निगलेक्ट कर दिया उसको। तो जैसे टाइम गया, फिर कोरोना वायरस आ गया, लॉकडाउन हो गई कंट्री, और वहाँ से कर्फ्यू लग गया, उनको हटना ही पड़ा। तो विदाउट मच इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, विदाउट मच नोटिस, वो संकट अपने आप खत्म हो गया। कई बार आपकी लाइफ में भी ये चीज़ हुई होगी कि आपको कुछ चाहिए, फॉर एग्जाम्पल बुक चाहिए, पर्टिकुलर कैसेट चाहिए, कैसेट का तो ज़माना गया, पर्टिकुलर गाना चाहिए, या कुछ तो चाहिए, बुक्स चाहिए, एक पर्टिकुलर कलर का ड्रेस चाहिए, एक पर्टिकुलर गॉगल चाहिए, घड़ी चाहिए, आप बहुत ढूंढते हो, बहुत ढूंढते हो, आपको नहीं मिलता, फिर आप उसको छोड़ देते हो, नहीं यार ये तो मिलने वाला ही नहीं है, जाने दो। और कुछ समय बाद आप भूल जाते हो उसको, और कुछ समय बाद अपने आप वो आपके सामने अवेलेबल होके आता है, अपने आप आ जाता है आपके सामने। ये चीज़ें होती हैं, आपके लाइफ में भी होती होंगी। तो ये जो रूल जो है, द पावर ऑफ निग्लेक्ट, निग्लेक्ट क्या करना है हमको, पहले तो जिस संकट का इमीडिएटली आप सामना ही नहीं कर सकते, आपकी उतनी पावर ही नहीं है, उसको निग्लेक्ट कर दो, अपने दिमाग का दही मत बनाओ उसके लिए, उसको छोड़ दो, निग्लेक्ट कर दो उसको। और दूसरी चीज, जो चीज़ आपको चाहिए, आपका ड्रीम है,
लेकिन बहुत बार ट्राई करने के बाद भी आपको नहीं मिल रहा है, सक्सेस नहीं मिल रही है, तो टाइम बींग उसको छोड़ दो, लिव इट। जब आप छोड़ दोगे उसको, आपके दिमाग से वो पूरी तरह से निकल जाएगा, कुछ समय बाद अपने आप वो चीज़ आपके सामने आएगी, आपको मिल जाएगी। या अगर कोई संकट हो तो दूसरे किसी तरीके से, शायद अभी संकट में 100% नहीं बोल सकता, या पहली चीज़ भी 100% नहीं बोल सकता, लेकिन ऐसा होता है। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है और हर एक के साथ ऐसा होता है। वो जो संकट होता है वो अपने आप चला जाता है, कुछ नुकसान भी नहीं होता हमारा, हम लोग का टाइम भी नहीं जाता, पैसा नहीं जाता, कुछ नहीं होता है, वो अपने आप किसी अलग तरीके से वो निकल जाता है। सो ये जो टाइम, ये जो इग्नोरिंग का, ये जो निग्लेक्ट करने का जो आर्ट है, स्किल है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये वैसे तो इस कोर्स के सभी लॉज और सभी पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये जो है निग्लेक्ट करने का जो है, ये आपको बहुत पावरफुल बना देता है, ये आपको पावरफुल बना देता है। और साला सामने वाला, कई बार मैंने ये देखा है, अगर आप आपको एनिमी को, दुश्मन को, या किसी को अनदेखा करोगे ना, उसको महत्व ही नहीं दोगे, तो वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि साला मेरी कुछ औकात है कि नहीं, ये तो मेरा, मेरी तरफ देखता भी नहीं है ये। यही ट्रिक्स कई बार जब फ्लर्टिंग करते हैं, जो लड़के लड़कियाँ, लड़के जो मोस्टली लड़के ही करते हैं, जो फ्लर्टिंग करते हैं, वो लोग भी यही ट्रिक यूज़ करते हैं। एक एक लड़की को उन्हें उनको अप्रोच करना है, तो उनके आसपास रहते हैं लेकिन उनको निग्लेक्ट कर देते हैं। अगर निग्लेक्ट, जो जब ये ह्यूमन टेंडेंसी है, जब हम निग्लेक्ट होते हैं ना, तब हमको बहुत तकलीफ होती है। हम उसी सोच में पड़े रहते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे निग्लेक्ट क्यों कर रहा है, निग्लेक्ट क्यों कर रहा है। और एनिमी का भी यही होता है कि ये निग्लेक्ट क्यों कर रहा है। एनिमी ये सोचता है कि इसका मतलब है इसके पास बड़ा कुछ तो है मेरे ऊपर डालने के लिए, कुछ तो बड़ा है, इसलिए ये मुझे फालतू समझ रहा है, ये मुझे निग्लेक्ट कर रहा है। और जो चीज़ आपको चाहिए, वो चीज़ें, वो व्यक्ति ये सोचता है कि ये निग्लेक्ट कर रहा है, मतलब ही इज़ बेटर देन मी, ही इज़ ग्रेटर देन मी, वो मुझसे बेहतर है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो वो व्यक्ति, वो चीज़ अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हुई चली जाती है। आपने फिल्म तेजाब देखी होगी, तेजाब में अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित और मंदाकिनी थी, ओके। तो उसको, माधुरी दीक्षित को पटाना है अनिल कपूर को, ठीक है। और जो उनका जो फ्रेंड सर्कल जो होता है, उसमें वो सलाह देता है, मतलब उसके फ्रेंड्स को सिखाता है, देखो अगर एक लड़की को तुम्हें पटाना है तो उसकी तरफ ध्यान मत दो, सारा ध्यान उसकी सहेली की तरफ दो, उसको इतना चने के झाड़ पे चढ़ाओ, इतना उसको करो कि उसके मन में जलन पैदा होनी चाहिए, उसको ये लगना चाहिए कि ये बहुत बड़ा है और ये मुझे निग्लेक्ट क्यों कर रहा है। और ये ट्रिक बहुत बार काम आती है। जो कॉलेज स्टूडेंट्स है उनको मैं कहता हूँ, ये द आर्ट ऑफ निग्लेक्ट, ये बहुत बार काम आता है। जो चीज़ आपको चाहिए उसके आसपास रहिए, आजू बाजू में रहिए, संपर्क में रहिए, लेकिन निग्लेक्ट कर दीजिए उसको। देखिए, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल बी इन फेवर ऑफ यू, वो चीज़ अट्रैक्ट होके आपकी तरफ चली आएगी, बिकॉज वहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव पावर्स जो होती है, एंड दैट ऑलवेज अट्रैक्ट्स अट्रैक्ट्स। आप खींचने की कोशिश मत करो, खींचने की कोशिश मत करो, अपने आप आने दो। दैट इज़ द पावर ऑफ दिस लॉ, दैट इज़ द डिस्टेंट थिंग्स यू कैन नॉट हैव। या फिर मैं उसको, इस लॉ को मैं हमेशा कहता हूँ, द पावर ऑफ निग्लेक्ट, निग्लेक्ट करने की ताकत। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो और रूल नंबर 36। अब हम मिलेंगे रूल नंबर 37 में, मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।